शुक्रिया बहुत मेहरबानी कि हुजूर ने गन्ने पर 5 रुपए बढ़ाए। वाह 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 वाह, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि 5 रुपए बढ़ाने के लिए आप उसके इतने सारे फायदे गिना रहे हैं। और अब दोबारा से थैंक यू मोदी जी के पोस्टर छपवाए जाएंगे। अरे 5 रुपए बढ़ाने के ऊपर कम से कम 500 रुपए का तो उस पोस्टर पर खर्चा ही आ जाएगा। क्या आप इस जनता को बेवकूफ समझते हैं? या जनता यह भी जानती है कि डीजल के रेट में 28% की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि गन्ने की पेमेंट पे सिर्फ आपने 2% की बढ़ोतरी की है। उस 5 रुपए से तो किसान की आय जो है वो दोगुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। दोगुनी तो आप गलत कह रहे हैं, किसान तो माला माल हो गया है। कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है कि 5 रुपए किसान के गन्ने पर बढ़ा करके? ये आप किसान का अपमान कर रहे हैं। कीमत 5 रुपए बढ़ाई है उस पे आप ये सोचते हैं कि किसान जो है वो आपको झोली भर करके वोट दे देगा। अब किसान की ये जो बच्चे हैं वो तो अब सोने की थालियों में खाना खाएंगे। आप इस बार आइए तो सही गांव के अंदर, किसान आपको गांव के अंदर घुसने भी नहीं देगा। और किसान आपको आपकी औकात दिखाने की हिम्मत रखता है। राम मंदिर 370, जय श्री राम, इन्हीं सब चीजों के चक्कर में किसान दोबारा से अपनी आय को भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब किसान की जेब में पैसे नहीं रह गए हैं। और जब पैसे नहीं रह गए हैं तो क्या उसके खर्चे कम हो गए हैं? अगर वह बिजली का बिल नहीं दे पाता है तो उसकी डोरी तक काट ली जाती है। किसान नहीं भूला है कि आपने उसके साथ कितनी निर्दयता की है। यहाँ पर धर्म की अफीम सूंघ करके यहाँ का किसान भी सोया था, यहाँ के नौजवान भी सोए थे, और आज भी बहुत सारे लोगों के मन से और दिमाग से अफीम का नशा नहीं उतरा है। मत उतारिए, थोड़े ही दिनों में सबका नंबर आने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज तो हद ही हो गई। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए इतना भारी भरकम ऐलान कर दिया है कि सड़कों पर किसान आपको नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यूपी के किसानों के घरों में हलवा पूरी बनाई जा रही है। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने गन्ने पर 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। वाह 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 वाह, क्या कमाल कर दिया है! क्या योगी सरकार पिछली सरकारों से कमजोर सरकार है? क्योंकि पिछली सरकारों ने भी गन्ने पर 50 रुपए बढ़ाए थे। पंजाब सरकार ने भी गन्ने पर 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। हरियाणा सरकार में भी जो गन्ने का रेट है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ऐसी क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के रेट सबसे कम हैं? क्यों? क्या यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा समृद्ध किसान है? क्या वो संपन्न है? उसके लिए बिजली भी सबसे ज़्यादा महंगी दी जाती है। क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों से चल कर के आती है? क्या ऐसा कारण हो गया है कि उत्तर प्रदेश में हर चीज महंगी है? कारण जानना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर धर्म की अफीम सूंघ करके यहाँ का किसान भी सोया था, यहाँ के नौजवान भी सोए थे, और आज भी बहुत सारे लोगों के मन से और दिमाग से अफीम का नशा नहीं उतरा है। मत उतारिए, थोड़े ही दिनों में सबका नंबर आने वाला है। और 5 रुपए बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट के 5-5 मंत्रियों ने आकर के ऐलान किया। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि 5 रुपए बढ़ाने के लिए आप उसके इतने सारे फायदे गिना रहे हैं? और अब दोबारा से थैंक यू मोदी जी के पोस्टर छपवाए जाएंगे। अरे 5 रुपए बढ़ाने के ऊपर कम से कम 500 रुपए का तो उस पोस्टर पर खर्चा ही आ जाएगा। और पीयूष गोयल जी तो बता रहे हैं कि इससे जो 5 रुपए बढ़ाए गए हैं उससे तो किसानों की हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, चीनी का निर्यात भी हो जाएगा। जैसे 5 रुपए ना हो गए, 5 करोड़ रुपए हो गए। आप लोगों को क्या हो गया है? क्या आप लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहा है कि आप किसान के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है? आपको लगता है कि ये किसान जो है हमेशा फटे पुराने कपड़ों में मैला कुचला सा दिखाई देने वाला ही किसान होता है? संपन्न किसान तो होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर किसान संपन्न हो जाएगा तो वो पढ़ेगा लिखेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, नौकरी की मांग करेगा, उसको गरीबी रहने दो। आपने जो 5 रुपए बढ़ाए हैं उसके आप गुणगान तो इतने कर रहे हैं कि ना जाने आपने क्या कर दिया है, लेकिन आप क्या आप इस जनता को बेवकूफ समझते हैं? या जनता यह भी जानती है कि डीजल के रेट में 28% की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि गन्ने की पेमेंट पे सिर्फ आपने 2% की बढ़ोतरी की है। उस 5 रुपए से तो किसान की आय जो है वो दोगुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। दोगुनी तो आप गलत कह रहे हैं, किसान तो माला माल हो गया है। कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है कि 5 रुपए किसान के गन्ने पर बढ़ा करके? ये आप किसान का अपमान कर रहे हैं। किसान कोई आपसे खैरात नहीं मांगता है, वो उसके लिए बिजली महंगी, डीजल महंगा, और क्या चीज उसके लिए सस्ती है? क्या आप उसको जो आप सड़कें बनाई जा रही हैं उन पर क्या वो टोल नहीं देता है? हर चीज उससे वसूली जाती है। किसान अब आपको सबक सिखाने के मूड में आ गया है, क्योंकि उसको भी समझ में आ चुका है कि इतनी कमजोर सरकार आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं आई जितनी ये योगी सरकार आई है। इससे पहले जो भी सरकारें रही, किसी भी सरकार ने बिजली के रेट इतने ज्यादा नहीं किए थे, किसी भी सरकार ने डीजल के रेट इतने ज्यादा नहीं बढ़ाए थे, और किसी भी सरकार ने इतना कम मूल्य गन्ने पर नहीं बढ़ाया था और उसका इतना ज्यादा गुणगान। और पिछले 3 सालों में, या यूं कहिए कि अब तो 4 साल, 4.5 साल हो गए हैं, आपने गन्ने के कीमत जरा सी भी नहीं बढ़ाई थी, और अब 6 महीने शेष हैं तो आपने जो गन्ने की कीमत 5 रुपए बढ़ाई है उस पे आप ये सोचते हैं कि किसान जो है वो आपको झोली भर करके वोट दे देगा। अब किसान की जो बच्चे हैं वो तो अब सोने की थालियों में खाना खाएंगे। आप इस बार आइए तो सही गांव के अंदर, किसान आपको गांव के अंदर घुसने भी नहीं देगा, और किसान आपको आपकी औकात दिखाने की हिम्मत रखता है। ये जो किसान है, अगर ये अपनी पर आता है तो ये राज सिंहासन बनाता भी है, और अगर ये किसी को मन से उतार देता है तो उसको फिर पाताल लोक में पहुंचाने की हिम्मत भी ये किसान ही रखता है। ध्यान रखिएगा, किसान की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला कभी भी इस देश में ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया है। और यह तो वही बात हो गई कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि हुजूर ने गन्ने पर 5 रुपए बढ़ाए। वाह 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 वाह, आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि आप दोबारा से हिंदू मुस्लिम करेंगे। हिंदू मुस्लिम आपने करना भी शुरू कर दिया है। राम मंदिर, 370, जय श्री राम, इन्हीं सब चीजों के चक्कर में किसान दोबारा से अपनी आय को भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब किसान की जेब में पैसे नहीं रह गए हैं, और जब पैसे नहीं रह गए हैं तो क्या उसके खर्चे कम हो गए हैं? अगर वह बिजली का बिल नहीं दे पाता है तो उसकी डोरी तक काट ली जाती है। किसान नहीं भूला है कि आपने उसके साथ कितनी निर्दयता की है। आज 9 महीने किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी है। इस बार ये किसान आपसे बदला लेने को तैयार बैठा है। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।